डिप्रेशन ने होनहार एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को छीन लिया। उनकी ऐसी हालत करने वाले कोई और नहीं बल्कि इंडस्ट्री के लोग थे जिनकी वजह से वो परेशान रहा करते थे। एक दिन उन्होंने इस परेशानी को हमेशा के लिए चुपचाप खत्म कर दिया। बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत को कई प्रोजेक्ट मिले थे लेकिन धीरे धीरे सब खत्म होते चले गए। सुशांत सिंह ने एकता कपूर से लेकर करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के लिए काम किया लेकिन शायद इन्हीं सभी वजह से सुशांत निराश हो गए थे और वो अंदर ही अंदर शांत रहने लगे थे। सुशांत के जाने के बाद पुलिस ने उनके कमरे की तलाश की जिसमें एक स्क्रिप्ट मिली थी। पुलिस स्क्रिप्ट के आधार पर खोजबीन कर रही है। वहीं सुशांत के कमरे में गौर करने वाली चीजें उनकी किताबें थी। सुशांत ने अपने कमरे में किताबों को एक अलग ही जगह दे रखी थी जिन्हें अपने सपनों की तरह सजाया था। सुशांत को किताबों से बहुत प्यार था। वो जब भी ट्रेवल के लिए जाते थे उनके पास किताबें जरूर देखी जाती थी। यहाँ तक सुशांत कॉफी शॉप और मेकअप रूम में भी किताबें पढ़ते देखे जाते थे। सुशांत का कहना था कि वो किताबें पढ़ने के बाद खुद में अच्छा महसूस करते थे। उन्हें अकेलापन कभी महसूस नहीं होता था। उनके जाने के बाद सुशांत के रूप में सिर्फ और सिर्फ किताबें ही देखी जा रही हैं। मिलम न्यूज रिपोर्ट।